हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चांद वाली अम्मा क्लास थ्री का पाठ पढ़ा था और मैं उसमें उसको एक्सप्लेन की थी। आज हम लोग क्लास थ्री लेसन नंबर थ्री चांद वाली अम्मा पर बेस्ड छः वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। पाठ में क्या है, तो पाठ के विषय में हम लोग जानते हैं कि बूढ़ी अम्मा चांद पर जाने की कहानी है। ये इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे, जैसे कि शरारत। शरारत का मतलब शैतानी। घूर कर मीन्स गुस्से से देखना। दोहराना मीन्स दोबारा बोलना या करना। तंग करना, परेशान करना। रस्साकशी, खींचतान। आओ देखाना दाव ताव, बिना सोचे समझे कोई काम करना। तो ये देखो, इस पिक्चर में यहाँ चांद वाली अम्मा है और ये आसमान है। इसी की कहानी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देख लो। चलो हम लोग पहला इसका वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो ये अभी जो हम वर्कशीट कर रहे हैं वो NCERT पर बेस्ड दो वर्कशीट है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार वर्कशीट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई क्योंकि उन्हें लगा कि चांद उनकी सहायता करेगा और वह आसमान को हरा देगी। दूसरा क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बूढ़ी अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान रहता था, जैसा कि बुक में दिया गया है चित्र में। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो अम्मा के कमर से वो क्यों टकराता था, आसमान शरारत करने के लिए बार बार अम्मा की कमर से टकराता था, वो शरारती था ना इसलिए। रूठना मनाना, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो घबरा कर उन्होंने वो क्या बोली होंगी, जब वो घबराई होंगी तो बोली होंगी, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो। जब वो गिर गिरा कर बोली होगी तो बोली होगी, बेटा मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। ठीक है, फिर वो गुस्से से जब बोली होगी तो बोली होगी, तू मुझे छोड़ता है या नहीं, ऐसे वो गुस्से से क्वेश्चन की होगी। उस पर तरकीब जब उसके दिमाग में आया होगा कि क्या ट्रिक करूं कि ये मुझे छोड़ दे, तो इसके लिए वो उसे बोली होगी, बेटा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। अच्छा, ये सब ट्रिक से वो बोली होगी। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो कुएँ पर बूढ़े अम्मा की लड़ाई हुई थी ना, उसी घटना पर हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, कुएँ पर अम्मा की लड़ाई। अच्छा, फिर है अभ्यास नंबर दो यानी वर्कशीट टू, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती है तो आसमान थोड़ा हट जाता है। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें कब देखते हैं, शिक्षक कब देखते हैं घूर कर, ये सब हमें बताना है। पिताजी कब घूरते हैं, जब मैं उनकी बात नहीं मानता। शिक्षक कब घूरते हैं, जब गृह कार्य होमवर्क नहीं करता। मेरे बहन भाई कब हमें घूरते हैं, जब मैं उनका चॉकलेट खा जाता हूँ। ऐसा तुम लिख सकते हो। फिर है दम लगा के हईशा रस। ये सभी हम लोग NCERT का भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं वो सब NCERT का है, ठीक है ना। NCERT के वर्कशीट है। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। वो खेल हैं कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि। फिर है साफ़ सफाई। घर के साफ़ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है, ये खास मौके क्यों हैं। तो बच्चों सफाई के काम से जुड़े कुछ शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो इसी तरह से और भी शब्द हैं, बुहारना, धोना, रगड़ना, पोतना आदि। काम कौन करता है, तो बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था।
उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम एक तरफ हम लोग देखेंगे और दूसरी तरफ मेरे घर में वो काम कौन करता है, यानी तुम्हारे घर में, वो हमें लिखना है। बूढ़ी अम्मा पानी भरती थी, तुम्हारे घर में माता पिता ये काम करते हैं। सफाई करने का काम बूढ़ी अम्मा करती थी, तुम्हारे घर में नौकरानी करती है। कपड़े धोने का काम अम्मा करती थी, तुम्हारे घर में माता पिता करते हैं। खाना बनाने का काम अम्मा करती थी, जो कि तुम्हारे घर में शायद माता जी करती होंगी। तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो हमें वो काम बताना है जो कि तुम करते हो, और जो काम तुम घर में करते हो वो भी, और बाहर जो करते हो उसके बारे में भी लिखना है। तो घर में जूठे बर्तन को उठाते होगे, जब तुम खाते होगे तो अपना जूठा बर्तन उठा के सिंक में रखते हो ना। वस्तुओं को जगह पर रखते होगे, बुक और जो भी चीज़ है, स्कूल बैग सब, जूतों पर पॉलिश लगाना, सबको पानी पिलाना। बाहर से कौन कौन से काम तुम कर सकते हो, अगर पास में है कहीं दुकान तो दूध लाना, दुकान से सामान ले आना, माँ के साथ सब्जी ले आना, दुकान से पेन खरीद कर लाना, ये सब काम तुम शायद बाहर जाकर करते होगे। अभ्यास नंबर 3, वर्कशीट 3। तो ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसमें कुछ NCERT के हैं, कुछ अपने से भी हैं। बूढ़ी अम्मा की मदद, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। कुएं से पानी लाना, बाजार से सब्जी लाना, अम्मा के सर और पैर दबाना आदि काम तुम कर सकते हो। फिर है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। आसमान अम्मा को किस तरह तंग करता था। आसमान अम्मा की कमर से टकराकर उसे तंग करता था। आसमान को क्या शरारत सूझी। अम्मा को ऊपर आसमान में ले जाने की शरारत आसमान को सूझी। ठीक है, यहाँ पर भी आसमान है और यहाँ पर भी, तो इसलिए यहाँ पर वो हम उस बच्चे का नाम लिख रहे हैं, तो इसको हम मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अम्मा ने किससे झाड़ू छोड़ने के लिए कहा और क्यों। अम्मा ने आसमान से झाड़ू छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। ठीक है, एक ही झाड़ू था इसलिए वो बोली। फिर है बताओ तुम क्या क्या करते हो। तो झाड़ू लगाना, अम्मा क्या क्या करती थी, झाड़ू लगाना, पानी लाना, खाना बनाना। और तुम क्या क्या कर सकते हो, सबको घर में पानी पिलाना, पुस्तकों को जगह पर रखना, टेबल पर खाना लगाना, इत्यादि काम तुम कर सकते हो। फिर नंबर 4 है, बूढ़ी अम्मा क्या क्या काम करती थी। पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना आदि। आसमान रोज़ क्या करता था, आसमान रोज़ अम्मा को परेशान करता था। कुएं पर क्या हुआ था, कुएं पर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। आसमान को क्या शरारत सूझी, आसमान को अम्मा को तंग करने की शरारत सूझी। आसमान अम्मा को ऊपर क्यों ले जाना चाहता था, आसमान अम्मा को तंग करने के लिए ऊपर ले जाना चाहता था। बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुँच गई, बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर पहुँच गई। तुम्हारे घर में कौन क्या काम करता है, चलो देखते हैं। खाना पकाने का काम कौन करती है, माता जी करती है। कौन बाज़ार से सामान लाता है, पिताजी। कौन सफाई करता है, नौकरानी। कौन तुम्हें पढ़ाता है, माँ और पिताजी। कौन पैसे कमाता है, माँ पिताजी, या कभी कभी दोनों कमाते हैं। घर की सफाई के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है, सही पर टिक का निशान लगाओ। तो झाड़ू का होता है, फिनाइल का होता है, और पुराने कपड़े से पोछा लगाने का काम होता है, और क्या होता है, हम स्प्रे से जो भी हमारे घर में इंसेक्ट है उनको भगाने के लिए स्प्रेयर का काम यूज करते हैं सफाई के समय, और ये जो झाड़ू है स्पेशल तरह का उसका भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। बताओ नीचे लिखी बातें बूढ़ी अम्मा ने आसमान से कैसे कहा होगा। तो छोड़ मेरा झाड़ू, ये बात वो गुस्से से बोली। हे राम, छोड़ मेरा झाड़ू, कहाँ लिए जा रहा है, घबरा कर बोली होगी। भगवान के लिए मेरा झाड़ू छोड़ दे, गिरगिराई होगी। मेरा झाड़ू छोड़ता है या बताऊँ तुझे, गुस्से से बोली होगी। ठहर अभी बताती हूँ, छोड़ मेरा झाड़ू, गुस्से से। बचाओ मेरी मदद, कोई मेरी मदद करो, आसमान मुझे ऊपर लिए जा रहा है, ये बात वो कैसे बोली होगी, घबरा कर बोली होगी। दाईं ओर लिखे वाक्यों को बाईं ओर लिखे उचित वाक्य से मिलाओ। अम्मा को घर का कामकाज खुद ही करना पड़ता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो एक सेकेंड इसको ऊपर कर दूँ मैं ज़रा। अम्मा उसे घूर कर देखती तो
वह थोड़ा पीछे हट जाता। अम्मा ने आओ देखा न ताओ वह अम्मा ने आओ देखा न ताओ और ऊपर है कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी अ ये वाला होगा। फिर है अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि ब होगा वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा ने पैर बढ़ाया और द होगा चांद पर चढ़ गई। फिर है ऊपर और नीचे शब्दों का सही प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करो। तो इसमें हमें ऊपर या नीचे शब्द भर करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा बूढ़ी अम्मा नीचे की ओर नीचे से जोर लगा रही थी और आसमान ऊपर से। आसमान ने कहा अम्मा मैं तुम्हें ऊपर ले चलूँगा। अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। अम्मा को झाड़ू समेत चांद पर छोड़कर आसमान ऊपर चला गया। ठीक है फिर है अभ्यास नंबर 5 वर्कशीट नंबर 5 चांद की धरती कैसी होगी सही शब्द पर टिक का निशान लगाओ। तो चांद की धरती उबड़ खाबड़ होती होगी अनुपजाऊ होती होगी मीन्स फर्टाइल नहीं होना वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं और पथरीली स्टोन वाला होगी होता होगा। नंबर 2 नाम वाले शब्दों और काम वाले शब्दों को छाँट कर अलग अलग लिखो। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं दिए हुए जिसमें से कुछ नाम वाले और कुछ काम वाले शब्द हैं हमें उनको छाँट कर लिखना है। ठीक है तो हम यहाँ पर छाँट के लिखेंगे अम्मा घर पानी झाड़ू आंगन आसमान रस्साकशी और चांद इन सब को मैं ये सब नाम वाले शब्द थे तो मैं यहाँ से उनको छाँट करके और यहाँ पर लिख दी। फिर नीचे है काम वाले शब्द गुस्सा होना झुकना खाना बनाना तंग करना शरारत करना खींचना बैठना और थकना ये सब काम वाले शब्द थे तो उसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे लिख दी। नीचे दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द छाँट कर लिखो। तो यहाँ फिर से हमें क्या है यहाँ पे सेंटेंस है उसमें से हमें नाम वाले और काम वाले शब्दों को अलग करना है। तो देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अम्मा उसे घूर कर देखती तो इसमें अम्मा जो था वो नाम वाला शब्द था और देखना जो था वो काम वाला शब्द था। तो इसी तरह से हम सेंटेंस देखेंगे वह पानी लाती है इसमें पानी नाम वाला शब्द है और लाती काम वाला शब्द है। आसमान झट हट गया आसमान यहाँ पे नाम वाला शब्द है और हट गया काम वाला शब्द है। फिर चांद पर चढ़ गई तो चांद यहाँ नाम वाला और चढ़ गई काम वाला है उसे वहाँ चांद दिख गया चांद नाम वाला दिख गया काम वाला शब्द है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। अम्मा को कौन तंग करता था तो आसमान अम्मा के किस अंग से टकराता था कमर से। फिर अम्मा ने झाड़ू से आसमान पर कितनी बार बार किया तो कहानी में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो 2 बार उसके कमर पे झाड़ू से उसे मारी थी कौन अम्मा आसमान को। ऊपर जाते समय में अम्मा ने क्या पकड़ रखा था झाड़ू पकड़ रखा था। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई तो जब बहुत ऊपर पहुंच गई तो वहाँ पे वो कहाँ चढ़ी वो चांद के ऊपर चढ़ गई। अभ्यास नंबर 6 वर्कशीट 6 नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। आदत इससे हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है इस वर्ड से तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं है। कामकाज शब्द से हमें बनाना है एक सेंटेंस अम्मा घर के सारे कामकाज खुद ही करती थी। सुबह अम्मा सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। ठीक है फिर शरारत से हमें बनाना है आसमान को अचानक शरारत सूझी। सही अर्थ के सामने टिक तथा गलत अर्थ के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अम्मा बिल्कुल अकेली थी। ठीक है तो यहाँ पे हम देखेंगे अम्मा बिल्कुल अकेली थी बात सही है। एक दिन कुएं पर पानी भरने के क्रम में अम्मा फिसल गई नहीं वो तो फिसली नहीं थी उनका झगड़ा हुआ था। अम्मा सूर्य पर चढ़ गई नहीं वो चांद पर चढ़ी थी। अम्मा ने आसमान को एक पत्थर मारा बिल्कुल नहीं वो तो झाड़ू मारी थी। आसमान अपनी आदत से मजबूर था हाँ आदत से मजबूर था वो। एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा नहीं उसने तो उसे झाड़ू मारा था। तो हमारा 6 वर्कशीट चांद वाली अम्मा का ख़त्म हो गया।
मैं इस पे और भी वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैं इसे हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन की हूँ बच्चों, तुम उन वीडियो को भी देख सकते हो। और साथ ही साथ तुम इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का तुम्हें नोटिफिकेशन मिल सके और तुम उसका पूरा पूरा लाभ उठा सको। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।